नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें, काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और पिट लाइन संख्या 7 पर मरम्मत का काम 26 फरवरी यानी कल से शुरू होकर 12 मार्च तक कुल 16 दिनों के लिए चलेगा। इसके चलते गाड़ियों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं किन ट्रेनों का संचालन काठगोदाम से न होकर हल्द्वानी और लालकुआ तक होगा। बता दें, गाड़ी संख्या 15035 दिल्ली काठगोदाम को 26 फरवरी से 12 मार्च तक लालकुआ में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। गाड़ी संख्या 15013 जैसलमेर काठगोदाम को 26 फरवरी 12 मार्च तक लालकुआ से शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या 12208 जम्मूवती काठगोदाम को 26 फरवरी से 4 मार्च और 11 मार्च को लालकुआ में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, गाड़ी संख्या 14120 देहरादून काठगोदाम को 26 फरवरी 2024 से 13 मार्च तक हल्द्वानी में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। वहीं गाड़ी संख्या 15043 लखनऊ काठगोदाम को 26 फरवरी से 12 मार्च तक हल्द्वानी में शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।